नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत कुमार आमेटा और आज अपन हैं कच्छी रामसंगर मंडोर पर। यहाँ पर अपन आए थे तो यहाँ पे कुछ ब्राह्मण देवता हैं जो अपने ये जो कुश जो होती है, दाब जो होती है, उसका कलेक्शन कर रहे थे, लेके जा रहे थे उसको उखाड़ के। तो हमारी मुलाकात यहाँ पे आपको पंडित जी से कराता हूँ कि आज के दिन का क्या महत्व है और जो आज के दिन ये दाब ली जाती है ये किस काम, कुशा जो है वो किस काम में आती है, तो उसके बारे में थोड़ी देर जानकारी। नमस्कार सर, सर आपका परिचय पहले एक बार। हमारे साथ हमारे बहुत पूज्य श्री जागेश्वर जी बोहरा पंडित जी पधारे हुए हैं और साथ में प्रफुल्ल जी दवे पधारे हुए हैं और इस शरीर का नाम महेंद्र व्यास है जी। महेंद्र जी, हम लोग यहाँ पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन कुशा का उत्पाटन होता है, कुशा निकालते हैं। अच्छा, कुशा निकालते वक्त सर्वप्रथम हम लोग कुशा के पूजन करने के बाद में उस जड़ में से कुशा निकालते हैं और सारी कुशा कोशिश ये रहती है कि हम हाथ से निकालते हैं। अच्छा। और जड़ से निकालते हैं। कुशा के तीन देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। अच्छा, कुशा में तीनों देवताओं का निवास माना गया है। हाँ जी जी जी। और कुशा जिसके पास होती है वो व्यक्ति हर समय पवित्र बना रहता है, किसी भी परिस्थिति में। अगर किसी स्थान पर कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, तकलीफ हो, कुशा के द्वारा मिले हुए जल से अगर उस स्थान का प्रोक्षण किया जाता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। हमारे रामचरितमानस में जब सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थी और महामहिम विश्व विजेता रावण जब उनके पास आने लगा तो सीता मैया ने कुशा को अपने आगे सामने कर दिया। लिखा है, तृण धरी ओट कहत वे देही, सुनहु अवधपति परम सनेही। जैसे उन्होंने कुशा आगे की तो रावण की शक्ति नहीं तो उसके भेदन करके सीता के पास आ सके। इस ऐसी सुंदर और पवित्र यह कुशा है। कुशा हमारे सभी लोगों के जितने भी पूजन, याजन, तर्पण, मार्जन, यज्ञ होते हैं उसमें सभी लोग बिना कुशा के कोई कार्य नहीं करते हैं। यहाँ तक कि प्रतिदिन की जाने वाली संध्या, त्रिकाल संध्या में कुशा का बहुत बड़ा महत्व है। पवित्री पहनकर ही, अर्थात कुशा की बनी हुई अंगूठियाँ पवित्री पहनकर ही हम सब लोग नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं और हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं आने वाला 15 दिन का श्राद्ध का सारा कार्यक्रम सभी हम लोग भी और हमारे यजमानों के द्वारा भी हम लोग कुशा के माध्यम से ही पितरों का तर्पण और उनकी पूजन याचना करते हैं। बिना कुशा के हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यहाँ तक कि विवाह होने पर दुल्हा जब अपने ससुराल जाता है और उसको विवाह के मंडप में जब बिठाते हैं तो उसके ससुर अपने हाथ में कुशा लेकर उसको बैठने की आज्ञा देते हैं, उसी का आसन देते हैं। कुशा जिसके पास होती है वो व्यक्ति कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। सारे आसन, सारी सिद्धियाँ, सारे मंत्र, यंत्र, तंत्र इत्यादि जितने भी प्रयोग होते हैं अगर कुशा के आसन पर बैठकर किए जाए तो वह हर व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं और मूलतः ब्राह्मणों के लिए अति प्रिय है कुशा। जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी पूजन होते हैं उसमें कुशा के माध्यम से हम कार्य करते हैं। आज हमारे पूज्य संयोग से हमारे साथ जागेश्वर जी पंडित जी पधारे और हमारे पूज्य श्री प्रफुल्ल जी दवे साहब पधारे और हमारे सेवा करने वाले साथ में हमारे सेवा भक्त हैं नरेंद्र जी परिहार और हमारा विनोद भैया, ये सभी लोग। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग इस प्रतिवर्ष यह कृषि विभाग का बना हुआ एक विश्वविद्यालय है और उसमें बहुत तरह के शोध होते रहते हैं, लेकिन ऐसा संयोग है कि इस पवित्र स्थल पर हमें कुशा प्रतिवर्ष मिल जाती है। इस वर्ष बारिश अधिक होने से हमें बहुत सहजता से उनको उत्पादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपका स्वागत है यहाँ पे, आप हर वर्ष आइए, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और जो हम कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।